एक सब्जेक्ट वास्तु के अंदर आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि वास्तु दोष का कितना बड़ा प्रभाव होता है। लोग बोलते हैं इसी घर में तो हम करोड़पति बने और इसी घर में हम कंगाल हो गए। अभी अभी मैं वास्तु बजट पर गया था तो मैंने सोचा कि इतना भयंकर वास्तु दोष वो आपको जरूर शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि वास्तु के प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन पर अटैक करते हैं, वो मैं आज इस वास्तु के एपिसोड में आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये काम करता है। लेकिन आखिर इस मकान के अंदर ये जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, अभी मैं इसको जूम करूंगा, आप देखिए ये जो मकान है इसके अंदर अगर आप देखेंगे ये दक्षिण दिशा का है, दक्षिण दिशा का मकान है और साथ में एक गली पश्चिम पे लगती है इसकी। उसको थोड़ा जूम करें हल्का सा, अभी नीचे से वो दब रहा है तो मैं कहूंगा अपने नहीं नहीं अभी जूम आउट करिए, थोड़ा जूम आउट करें हल्का सा और करिए और करिए और बस अब ये देखिए यहां पर आप दिखाई दे रहा है ये वेस्ट रोड है और यहां पर ये साउथ की रोड दिखाई दे रही है आपको। मेन ट्रैफिक इस रोड से चलता है और बगल में ये गली है, ये 8-10 फिट की है, ये बड़ी रोड है, 40-50 फिट की रोड है। इस मकान को लेने के बाद जब से ये मकान बनाया उसके बाद इनका बिजनेस डूबता चला गया और जो कमाते हैं वो सब बर्बाद हो जाता है, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, घर में कलेश बना रहता है लगातार। और जब से ये मकान बना तब से इस मकान पर लगातार मुकदमा चालू है, पिछले 50 सालों से एक रिकॉर्ड तोड़ ये बात है। और सबसे बड़ी बात है जब मैं इस मकान में वास्तु विजिट के लिए गया तो मैं 2 घंटे के अंदर मेरी हालत खराब हो गई, यानी 2 घंटे के अंदर मैं खुद परेशान हो गया। आप देखिए यहां पर ये पूरब दिशा है, पूरब दिशा इसके अंदर बंद है, फुल बंद है और कुछ इन्होंने गलती से बंद भी कर दी, 3 फीट ये जगह खुली हुई थी। उत्तर दिशा भी इसमें बंद है, इधर भी बंद है, उत्तर बंद है और इसमें पूरब दिशा भी बंद है, यहां पर दक्षिण दिशा खुली हुई है और पश्चिम दिशा भी खुली हुई है। इनका जो गेट है जहां से घुसते हैं ये साउथ वेस्ट गेट, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में सीढ़ियां हैं। साउथ वेस्ट की दिशा राहु की होती है, राहु की दिशा से यहां से घुसना, राहु की दिशा से यहां से निकलना, यानी सबसे गंदा फेस साउथ वेस्ट होता है, सबसे गंदी दिशा साउथ वेस्ट होती है। ये यहीं से निकलते हैं, यहीं से घुसते हैं और जैसे ही मैं यहां से घुसा, घर में घुसते ही ऐसे समझो जैसे मुंह के ऊपर साइलेंसर लगा, यानी गाड़ी के साइलेंसर के सामने मुंह कर दो आप तो कितना बुरा हाल होता है। तो यहां पर भी मैं घुसते ही परेशान हो गया, लेकिन मुझे यहां 2 घंटे विजिट करनी पड़ी। आप यहां देखेंगे सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, एक कमरा है यहां, नॉर्थ ईस्ट का कमरा है, किसी वास्तु वाले नॉर्थ ईस्ट में यहां बनवाया पूजा रूम के लिए, लेकिन पूजा कोई कर नहीं पाता इसमें क्योंकि इसमें ईस्ट दिशा यानी पूरब दिशा भी बंद है और इसके अंदर आप देख रहे हैं यहां से नॉर्थ भी बंद है, नॉर्थ और ईस्ट इस मकान का पूरा बंद है। इसमें रहने वालों का दम घुटता है, बीमार होते हैं इसमें, बच्चे बीमार होते हैं, कोई पढ़ नहीं पाता ना पूजा कर पाता है। और जैसे ही मैं यहां पर खड़ा हुआ वैसे ही मुझे चक्कर आने शुरू हो गए, मेरे सिर को यहां की स्मेल चढ़ गई, बड़ा परेशान हुआ लेकिन मैं कह नहीं सकता था उनको। मैं आकर के होटल में मैंने दवाई ली और मैं आकर के सो गया। आप यहां देखेंगे ये ड्राइंग रूम बना हुआ है, इसका भी ईस्ट बंद है पूरा की पूरा, यहां कोई भी विंडो नहीं, इधर भी कोई विंडो नहीं, इधर भी कोई विंडो नहीं है। धूप इसके अंदर पिछले 50 सालों से इस घर के अंदर सुबह की धूप नहीं आती है जो कि हमें विटामिन सी देती है और वो विटामिन सी हमें मिल नहीं पाती, विटामिन डी भी नहीं मिल पाती है, दोनों की दोनों यहां पर खत्म है। ये इधर इधर से आप देखेंगे
यहां बेडरूम है, इस बेडरूम में मैं बैठा यहां पर, आप ये भी देखेंगे पूरब से बंद है, ये भी यहां पूरब से बंद है, इधर उत्तर से बंद है, और घुसने का रास्ता यहां पश्चिम से। इसके अंदर इतनी सफोकेशन कि इसके अंदर रात को कोई कैसे सो पाएगा। एसी यहां लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों तरफ से बंद है, इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है। सिर्फ पश्चिम दिशा से इसका गेट था जो बहुत खतरनाक था। किचन को देखें, ये दक्षिण दिशा में किचन है, साउथ ईस्ट में भी है किचन, यहां पर ठीक है लेकिन किचन में भी कोई विंडो नहीं है, तो किचन की पूरी हीट इस घर के अंदर आ जाती है। अगर यहां पंखा चलाएंगे तो किचन की पूरी हीट यहां से घूम करके ऐसे आ जाएगी। अगर आप ड्राइंग रूम में पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, तो किचन में कोई काम करेगा तो वो ऐसे घूम के आ जाएगा। इसका मतलब पूरा किचन का पॉल्यूशन यहां पर रहता है। अब आप चलिए, ये गली है, इसके अंदर यहां पर देखेंगे नॉर्थ वेस्ट के अंदर टॉयलेट है। नॉर्थ और वेस्ट की जो दिशा होती है, यहां पर ये चंद्रमा की दिशा होती है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा इंद्रियों का कारक है, पांच इंद्रियों का। पांच इंद्री में कौन कौन सी आती है? चंद्रमा सूंघने का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा स्रोत इंद्रियों का कारक है, चंद्रमा स्पंदन का कारक है। अब इन सब चीजों पर चंद्रमा की दिशा, वहां पर लैट्रिन है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट से शुद्ध हवा भी आती है, नॉर्थ वेस्ट से पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं। यहां पर जहां चंद्रमा की जगह है, नॉर्थ वेस्ट जो लड़कियों का सोने की जगह होती है, शुद्धता की जगह होती है, ये पवित्र मन की जगह होती है, चंद्रदेव की जगह होती है, यहां पर लैट्रिन पड़ी हुई है। अब यहां से सारी की सारी बदबू इन कमरों में घुस जाती है। अगर जब नॉर्थ वेस्ट से वायव्य कोण से हवा चलती है हिंदुस्तान के अंदर, तो ये हवाएं ऐसे जाकर के फिर इधर घूम जाती हैं। इधर से किचन की बदबू आती है, इधर से यहां से बदबू आती है। ये एक कमरा है, इस कमरे के अंदर भी आप देखेंगे इसका भी दम घुटता है। इसके अंदर कोई भी पूरब दिशा का यहां गेट जरूर है पूरब दिशा में, लेकिन जब रोशनी नहीं पूरब दिशा की आएगी तो इस कमरे में कैसे कोई सोएगा। एक और एक कमरा है यहां से घुसते ही। आप देखेंगे कि ये जो कमरा है, इस कमरे के नीचे यहां पर सेप्टिक टैंक है, यानी आप देखेंगे कि आदमी इस कमरे के अंदर लैट्रिन के ऊपर सोता है, लैट्रिन के टैंक के ऊपर सोता है। जब यहां से आना जाना आपका होगा तो आप किसी शुभ काम के लिए जब नॉर्थ ईस्ट से निकलेंगे तो लैट्रिन के टैंक से जाएंगे, बेडरूम से जाएंगे तो लैट्रिन टैंक से जाएंगे, किचन से जाएंगे तो लैट्रिन टैंक के ऊपर से जाएंगे, यानी जो सेप्टिक टैंक है, सीवर का टैंक है, वहां से निकलने का रास्ता यहां से बनता है। और फिर सीढ़ियां भी ऊपर तक इसी प्रकार से बनी हुई है। जब मैंने इस घर को देखा तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं वहां 2 घंटे कैसे रुका, मैंने सोचा आपको बयान कर दूं, YouTube के माध्यम से आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं आपका घर भी इसी प्रकार का बना हुआ है कोई, तो आप उसको तुरंत चेक करवाइए, उसको तुरंत ठीक करिए। इसमें 50 साल से मुकदमा खत्म नहीं हुआ, इसमें बच्चे खुश नहीं है, इसमें रहने वाली गृहिणी खुश नहीं है, इसमें किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसमें जो पुरुष काम करते हैं वो तो बाहर चले जाते हैं दिन में, तो उनका थोड़ा स्वास्थ्य आधा ठीक रहता है, लेकिन अब यहां पुरुषों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इन्होंने बड़ी मेहनत करके मुझे वहां बुलाया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं जगह भी नहीं बताऊंगा, मैं हर चीज सीक्रेट रखता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हमें बुलाता है तो हमें उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है। तो मित्रों, प्राइवेसी बहुत जरूरी है जीवन के अंदर, इसलिए मैंने ये उचित नहीं समझा कि मैं आपको बताऊं, किसी की प्राइवेसी लीक करूं। आज तक पिछले 22 सालों के अंदर मैंने टीवी पर चल रहा हूं, यूट्यूब पर हूं, मैंने कभी किसी के बारे में नहीं बताया, मैं किसी की कुंडली के बारे में भी नहीं बताता क्या लिखा हुआ, लेकिन ये बताना जरूर था कि अगर आपका दक्षिण दिशा का मकान है, अगर आपका
उधर पश्चिम दिशा का मकान है, दो दिशा का मकान है, तो सबसे गंदे मकानों में काउंट होता है। अगर आपका बंगला भी इसी प्रकार का है तो आपके यहां बीमारियां भरमार रहेंगी, और आपके मकान के अंदर इसी प्रकार से अगर विंडोज नहीं है, आपका फ्लैट हो, आपका बंगला हो, आपका घर हो, आप दुखी रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। यहां पर आपकी वो बात लागू नहीं होगी कि यहां पर जब ये मकान बना था उस समय करोड़पति थे, 50 साल पहले करोड़पति होना बहुत बड़ी बात होती है, और आज की डेट में अगर व्यक्ति एंटोमाउथ होता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।